आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने किसान चैनल नीरज ढिल्लो पर। साथियों, आज हम आपको खेत में लगने वाले सोलर प्लांट की जानकारी देते हैं। ये यहाँ पर 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया गया है और यहाँ पर इनका फार्मिंग है और ये इधर बकरी पालन कर रहे हैं। इसके लिए इन्हें यहाँ पानी की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था चाहिए थी, तो ये यहाँ पर इन्होंने सोलर सिस्टम लगाया। अब इस सोलर सिस्टम की थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे और देखते हैं ये किस प्रकार काम करता है, क्या कुछ उसकी प्रक्रिया है। अब आगे देखते हैं चलकर और लेते हैं थोड़ी सी जानकारी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आपने जो ये सोलर प्लांट लगाया इसके बारे में बताओ जी, कितनी किलोवाट का है, क्या कुछ इसका सिस्टम है? ये सोलर मैंने सरकार की योजना द्वारा लगवाया सब्सिडी से जी। ये 3 किलोवाट है और यहाँ पानी की दूर दूर तक व्यवस्था नहीं थी, तो इस वजह से मैंने बिजली की व्यवस्था नहीं थी, इस वजह से मैंने सोलर प्लांट लगाना उचित माना यहाँ, और मैंने बकरी फार्म कर रहा हूँ तो इस वजह से। तो यहाँ पे लाइट की व्यवस्था भी चाहिए थी और पानी की व्यवस्था भी जरूर चाहिए थी। इसको पानी भी और बिजली तो जरूरी चाहिए जी, क्यों भाई यहाँ बकरी पालन हो रहा है तो यहाँ पानी और लाइट तो सभी चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ बिजली की दूर तक व्यवस्था नहीं थी, इस वजह से मैंने सोलर लगाना उचित समझा। बहुत अच्छे जी। तो जी, ये आपने बोरिंग कराया यहाँ पे, ये बोरिंग जो है कितनी इंची बोरिंग कराना पड़ा इसके लिए? ये बोरिंग मैंने 6 इंची बोरिंग कराया इसके लिए। अच्छा जी। क्यों इसका जो वो होता मोटर होता है कुछ थोड़ा मोटा होता है जी। तो इस वजह से इसको 6 इंची बोरिंग की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा जी, बहुत अच्छे। तो ये जो इसमें मोटर है वो डीसी करंट का है या एसी करंट का है जी? मोटर दोनों तरह का आता है, एसी भी और डीसी भी। अच्छा जी। तो आपने इसमें कौन सा लगा रखा? ये मैंने पूरी जानकारी करने के बाद मैंने डीसी का मोटर लिया है। अच्छा जी। तो अब ये पूरा करंट, ये जो सिस्टम है पूरा करंट इसमें दे रहा है? ये पूरा करंट बना रहा है, करंट डायरेक्ट करंट अंदर जा तो रहा है। भाइयों देखें, 3 HP का इसमें मोटर पड़ा है और 3 किलोवाट का ये सोलर प्लांट है। अब इसको चालू करके देखते हैं किस प्रकार ये पानी देगा। चलो जी, एक बार चला के दिखा दो। अब ये चला के देखते हैं साथियों। हो गए चालू यहाँ से जी? क्या क्या सिस्टम है एक बार दिखा दो दोबारा से। ये इसके MC है। अच्छा जी। और यहाँ से इसका वो है स्विच है बस, ये स्विच ऑन ऑफ का। हाँ चलो चालू करो जी एक बार। ये चालू हो गया, हो गए चालू। चालू हो गया, ये रीडिंग चल रही है यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ रीडिंग आ रही है, यहाँ पे रीडिंग चालू होगी जी। हाँ ठीक है। अब वो पानी उठाने वाला है। अब मोटर देखते हैं जी, यहाँ से ऑन कर दिया है। अभी यहाँ पे आके देखते हैं कितना इतना टाइम क्यों ले रहा है ये चलने में, ये करंट पहुँचने में टाइम लगता है आपको। तो ये देखते हैं साथियों, ये डीसी करंट के द्वारा सोलर के द्वारा चालू हो चुका है। काफ़ी अच्छा पानी है, काफ़ी अच्छी फोर्स का पानी है। और कुछ समय पहले इनका खेत यहाँ पे बिना पानी के अभाव में सूखा ही पड़ा रहता था। अब इन्होंने यहाँ पे मिर्च भी लगा रखी है, उड़द लगाए हुए हैं, काफ़ी सब्जी लगाई हुई है, काफ़ी सब्जी लगा रखी है। और पानी आप खुद देख सकते हैं इसमें 2.5 से 3 इंची पानी बढ़िया दे रहा है। तो जी, दिन दिन में काम करता होगा ये तो। हाँ, दिन दिन में एक बार उधर को चलते हैं थोड़ा सा। तो जी, जैसे अब तो अच्छी धूप निकल रही है जी, अगर बरसात की मौसम है जी या बादल आ गए जी तो इस पे धूप कम पड़ेगी तो उसी टाइम कम पानी हो जाएगा। जैसे धूप कम होगी तो करंट कम जाएगा, पानी डाउन हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसके ऊपर अगर थोड़ी छाया आ जाए या बादल आ जाए तो हम एक व्यवस्था बना के देखते हैं। कोई कपड़ा पड़ा हो तो इसके ऊपर देखते हैं प्लेट के ऊपर लगा के, या पानी घटेगा। कपड़ा है यहाँ पे, एक कपड़ा पड़ा है जी। और उधर एक बार पहले पानी भी दिखाते हैं, उसके बाद हम इसको इसके ऊपर डाल लेंगे। एक मिनट रुक जाओ जी, एक मिनट रुक जाओ, उतार लो एक बार, उतार लो। ये पानी की फोर्स चल रही जी इस तरह। और अब ये देखिए इसके ऊपर अगर छाया आती है तो कितना करंट एकदम डाउन होगा। डालो डालो जी। तो ये देखिए फोर्स घट गई, कुछ प्लेट पर आने के बाद ही फोर्स डाउन होगी। अगर थोड़ा और डाल लेंगे, ये एक और डाल दिया है जी। अब ये देखिए फोर्स और बिल्कुल डाउन हो चुकी है। तो जितनी तेज प्रकाश प्लेटों को मिलेगा उतना ही तेज करंट बनेगा। हटा दो जी, ये देखिए ये हटा रहे हैं। ये देखिए हटते सार फिर फोर्स दोबारा से अच्छी फोर्स बन चुकी है। बरसात में भी पानी देता है, अगर बारिश हो रही है जी तो तब भी पानी देता है। देता है बिल्कुल, पर थोड़ा देता है, पर थोड़ा देता है। और रात के समय में जी? रात के समय में बिल्कुल, रात के समय चलने में नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा जी, तो इसे लगा के फायदा दिया जी कुछ महसूस? मुझे तो सारा फायदा ही फायदा नजर आया, बहुत ज्यादा अच्छा फायदा।
बहुत अच्छे जी। तो देखे साथी इस प्रकार की सोलर प्लांट आप जी, मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ जी और इसकी व्यवस्था मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। सरकार इस पर 70% सब्सिडी देती है जी और ये केवल किसान के लिए है। बहुत अच्छे। तो साथियों कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसे लगी। और ये देखें कुछ पानी इधर इस टंकी में इधर भी आ रहा है, उधर तो चल ही रहा है। इन्होंने एक नोजल द्वारा इधर पानी का लगाया था सिस्टम। तो इसमें कॉस्ट बताएं जी क्या खर्चा आया आपका? मुझे सरकार द्वारा इसमें 67,000 रुपये जमा करने पड़े ओनली, और बाकी पैसे सरकार ने जमा करे हैं जिसकी सब्सिडी 70% मिली है। मुझे तो बोरिंग करके दिया है और मैंने 67,000 रुपये का एक वो जमा करा। मात्र 67,000 रुपये में आपका ये प्लांट चालू हो गया? मैंने तो चालू करके दिया, सब कुछ फिट करके गए हैं। बहुत अच्छे। तो देखे साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें शेयर करें। नमस्कार।